नमस्कार देवी और सज्जनों, सतीश का सफर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सतीश। कोलकाता के सफर में आज हम पहुंच चुके हैं द मदर हाउस, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और ये वही जगह है जहां आप सभी जानते होंगे नोबेल प्राइज विनर मदर टेरेसा के बारे में। तो बहुत पहले जब मैं अपने स्कूल से टूर पे आया था तो यहाँ पर विजिट किया था। तो आज मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना इसको दोबारा विजिट किया जाए, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी छोटा था। आप सभी जानते होंगे कि मदर टेरेसा अपने चैरिटी वर्क के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और कोलकाता और पूरे इंडिया में उनके चैरिटी हाउसेज बहुत ढेर सारे चलते हैं। और यहीं से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, और यहाँ पर उन्होंने सर्व इन चैरिटी उनका बहुत ही बड़ा मोटो रहा है। और यहीं पर उनका टॉम्ब भी है जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो चलिए आज विजिट करते हैं, और शायद अंदर मुझे रिकॉर्ड करने दिया जाए ना दिया जाए उसका मैं आपको नहीं बता सकता, मगर चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये कुछ सामने से बिल्डिंग दिखती है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं मदर टेरेसा की एक खूब प्रतिमा लगी हुई है। और तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर मदर टेरेसा रहा करती थी, और यहीं पर उनको दफनाया गया है। और यहाँ पर बहुत ही देश विदेश से आते हैं लोग और विज़िट करते हैं मदर के इस टॉम्ब पर। और यही कुछ है नज़ारा, आप सामने देख सकते हैं कुछ ऐसा है, और यही वो जगह है। तो चलिए हम अंदर जाते हैं। अंदर फोटोग्राफी सिस्टर ने कहा मना है, तो चलिए देखते हैं, अगर जितना कुछ होगा मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा।
तो दोस्तों आपने देखा, ये था मदर टेरेसा जी का घर और यही कुछ था दिखाने को। अंदर बोलना या कुछ भी कहना मना था, अंदर साइलेंस मेंटेन करने को कहा गया, जिसके वजह से मैंने कुछ बोला नहीं। थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स परमिशन लेकर मैंने क्लिक किए। तो यही था मदर टेरेसा का हाउस। तो चलिए अब इसी के साथ इस ब्लॉग का अंत करते हैं। ये मैं यहाँ पर मैं लगभग 10-11 साल पहले आया था स्कूल ट्रिप से, तो सोचा आपको भी ये जगह दिखा दूँ। तो यही कुछ था। तो चलिए आपसे अब मिलते हैं कोलकाता के एक दूसरे ब्लॉग में। तो जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।